सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो आपके जीवन में प्रकाश फैलाता है। विद्या एक ऐसा धन है जो समाज में आपके सम्मान का विस्तार करता है। लगन के साथ किए गए हर काम का अंजाम सफलता होती है। परिश्रम के उपहार से ही जीवन का जग में सत्कार होता है। आज का पंचांग 26 जून 2024 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि रात्रि 8:55 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र दोपहर 1:05 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:29 से 2:10 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 26 जून 2024 दिन बुधवार, आप निजी और पेशेवर रूप से सर्वश्रेष्ठ जगह पर हैं। अपनी ताकत और सीमाओं के बारे में जानें। अपने आत्ममूल्य के आधार के साथ अपने रचनात्मक पक्ष को भी व्यक्त करें। कोई नया अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, इसका साहसपूर्वक पीछा करें। सफलता पाने के लिए आपने कड़ी मेहनत की है, किस्मत आपकी ओर है। आप भावनात्मक स्तर पर निराश नहीं होंगे और वैवाहिक जीवन का भी आनंद लेंगे। सफलता को एक उपहार की तरह लें और अपने जीवन पर किसी को शासन न करने दें। अपनी उपलब्धियों को लेकर विनम्र रहें क्योंकि विनम्रता लोगों के दिल को जीतती है। सितारों का साथ मिलेगा, इस अनुकूलता का अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करें। स्टूडेंट और युवा लोगों को योग्यता से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिल सकती है। पारिवारिक और व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन बना रहेगा। किसी भी काम को जल्दी पूरा करने की सोचें। काम से जुड़ी लापरवाही ना करें क्योंकि नुकसान होने की संभावना बन रही है, इसलिए सतर्कता रखें। पैसों से जुड़े काम करते समय किसी को साक्षी रखें और काम से संबंधित दस्तावेज ठीक से बनाएं, तभी एक दूसरे के लिए गलतफहमी को दूर किया जा सकता है। कायदे से संबंधित बातों को गंभीरता से लें। काम से संबंधित जब तक अनुमति नहीं मिलती है तब तक काम की शुरुआत ना करें, वरना परेशानियों को दूर करने में काफी मेहनत करनी होगी। पार्टनर और परिवार के विरोध से अकेलापन महसूस हो सकता है, गले की खराश भी हो सकती है। सावधानियां, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब होने से खर्चा बढ़ सकता है। विपरीत परिस्थितियों को धैर्य और संयम से संभालें। गुस्से से दूर रहें, पड़ोसियों के साथ संबंधों में मतभेद ना होने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में अपनी रूप सूरत और व्यक्तित्व का खास ख्याल रखें। कोई रिश्ता आपको खुशी नहीं दे रहा है तो उसे समाप्त करने की उचित समय है। याद रखें रिश्ते में दोनों तरफ से प्रयास होने आवश्यक हैं। आज भाग्य आपके साथ है और आपको धन प्रसिद्धि व पहचान प्राप्त होगी और वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे हैं तो रोमांस की दृष्टि से भी आप भाग्यशाली हैं। आने वाले समय में आप कुछ गुलाबी छड़ों को एंजॉय कर सकते हैं। जीवन का हर पल अलग और अनूठा है, इसीलिए इन्हें गंवाने की जगह उनका सही उपयोग करें। बात करती हैं करियर की। अगर आप कार्यस्थल की मुश्किलों से परेशान होकर स्वरोजगार के बारे में सोच रहे हैं तो अब समय आ गया है इसकी शुरुआत करने का। आपकी मेहनत और ईमानदारी का बढ़िया परिणाम भी आपको मिलने वाला है। खुशी के पल में अहंकार का त्याग करके आगे बढ़ें। सफलता आपका साथ देगी। आपकी मेहनत सफलता को ऐसे आकर्षित कर रही है जैसे जन्मदिन का केक अजनबियों को आकर्षित करता है। भावनात्मक रूप से आप खुद को भाग्यशाली मानेंगे। स्वयं के लिए भी समय निकालें। इस छोटे से जीवन में आपको बहुत चीजें करने को मिलेगी, ऐसे में कुछ गलतियां होने की भी पूरी संभावना है। इस समय बिजनेस में मेहनत ज्यादा और नतीजे कम मिलने जैसी स्थिति रहेगी। मीडिया और इंटरनेट के जरिए व्यवसाय संबंधित नई जानकारियां मिल सकती है। व्यापारिक गतिविधियां पहले की तरह नॉर्मल रहेगी। ऑफिशियल टूर प्लान हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। सेहत तो ठीक रहेगी। गैस एसिडिटी जैसी समस्या से राहत पाने के लिए पेट को ठीक रखें। गले की खराश भी हो सकती है, ख्याल रखें। आज का उपाय,
आज आप गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, बहुत शुभ रहेगा आज। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।